इम्यूनिटी 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 वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इम्यूनिटी, कारण COVID-19 वायरस का आगमन। जैसे ही ये COVID-19 वायरस आया, इसके साथ साथ आई वैज्ञानिकों की सलाह कि जिस व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी भरपूर है वो व्यक्ति इस वायरस के अटैक से बच जाएगा, और जिस व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी की कमी है उस व्यक्ति को शारीरिक तौर पर बड़ी क्षति झेलनी पड़ सकती है या फिर मौत भी हो सकती है, और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। इसके बाद सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बाढ़ सी आ गई एडवाइसेस की। सभी छोटे बड़े सर्टिफाइड डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हर हेल्थ एडवाइज़र अपने अपने एडवाइसेस देने लगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कि किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए ताकि इस COVID-19 वायरस का सामना किया जा सके। और उनकी एडवाइसेस काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई। परंतु दोस्तों, जो एडवाइस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी वो एडवाइस ना के बाबा थी, और वो क्या कि इम्यूनिटी डाउन होती ही क्यों है। दोस्तों, प्रकृति ने मानव का शरीर इस प्रकार बनाया है, उसका पाचन तंत्र, उसकी इम्यूनिटी इतनी रखी है, इस प्रकार रखी है कि हर प्रकार की बीमारियों का, उसके कीटाणु है, वायरस है, उन सभी का सामना करते हुए बहुत लंबे समय तक व्यक्ति अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकता है। परंतु वो क्या परिस्थितियाँ होती हैं जिनके चलते मानव शरीर में इम्यूनिटी कमी हो जाती है और बहुत सारे कीटाणु, वायरस अलग अलग शरीर के ऊपर हमला करके उसे बीमार बनाते हैं। तो आज दोस्तों, मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से आप लोगों के साथ यही बात शेयर करूँगा कि इम्यूनिटी शरीर के अंदर कैसे डाउन होती है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सभी फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछिएगा, देखिएगा कितने लोग इस बात का आंसर जानते हैं। इम्यूनिटी शरीर में कहाँ पे होती है, वो क्या तरीका है जिससे जांच के पता लगाया जा सके। देखिएगा, आपके 100 में से शायद ही एक या दो फ्रेंड हो जिनको ये बात पता हो, डेड श्योर, ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ इसकी। इम्यूनिटी होती है ब्लड में, ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक है। और ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, WBC वाइट ब्लड सेल्स, और उसके अलावा प्लेटलेट्स। और इन तीनों में इम्यूनिटी जो होती है वो होती है WBC में, वाइट ब्लड सेल्स में। और ये बहुत आसानी के साथ ब्लड टेस्ट करा के पता लगाया जा सकता है कि इम्यूनिटी का लेवल कितना है। वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो 10,000 से ऊपर आनी चाहिए हमेशा। जिसकी वैल्यूज़ जिस व्यक्ति की 10,000 से ऊपर है, उसको आप देखिएगा, वो बहुत कम आपको बीमार दिखाई देगा। शायद ही कभी आपने देखा उसको जुकाम, खांसी वगैरह वगैरह परेशानियों से ग्रसित, शायद ही, नहीं तो वो हमेशा आपको चुस्ती फुर्ती से दौड़ता फिरता नजर आएगा। और दोस्तों, WBC में जो मेन दो चीज़ें होती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं, सभी प्रकार से रोगों से रक्षा करती हैं, हर बीमारी के वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसमें ये दो चीज़ें होती हैं, ये एक है एंटीबॉडी और दूसरा है ये लिम्फोसाइट। इसकी भी अपनी वैल्यूज होती है। जिस व्यक्ति की ये लिम्फोसाइट की वैल्यू कंप्लीट है उसके शरीर में कोई कीटाणु वायरस टिक नहीं सकता। ये एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट मिलके उस बीमारी के जो वायरस है, कीटाणु है, चाहे वो COVID-19 ही क्यों ना हो, उसको मिलके कुछ ही दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई क्लियर कि इम्यूनिटी शरीर में कहाँ होती है। अब मैटर ये आ रहा है जो हमारा मेन थंबनेल है
जो आज का चर्चा का विषय है कि ये इम्यूनिटी डाउन क्यों हो जाती है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ उसके मेन जो मैंने रिसर्च की, जितना मैंने अपने गुरुजी से सीखा, जितना मैंने खुद अपने जीवन पे इसका तजुर्बा किया, जो ठोस तजुर्बा है, वो दो कारण हैं, गलत जीवन शैली और गलत खान पान। गलत जीवन शैली में समय बेसमय खाना और समय बेसमय सोना और जागना, ये दो बातें होती हैं। हर चीज़ का खाने का एक समय तय है, उस समय पे ना इस्तेमाल की गई, अलग समय पे इस्तेमाल की गई। और जैसे कि क्लियर है, ये विज्ञान की बात है, विज्ञान ने भी इसको प्रूव किया है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन काम करती है। जितना भी बॉडी के अंदर एसिड है और जितने भी टॉक्सिक हैं, वो रात को 11 बजे से 3 बजे तक बॉडी उसके डिटॉक्सिफिकेशन काम करती है। परंतु सोने और जागने वाली बात जो जीवन शैली की है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पे अधिकतर लोगों को देखा है वर्तमान समय पे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जागते रहते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया उनकी हो ही नहीं पाती। वो जब तक जागे रहेंगे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। आजकल फैशन हो गया है, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर काम करते हुए, टीवी देखते हुए कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा चुकते रहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है, जब उस इंटरनल उसकी जो पावर है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लगी जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा। जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा ही नहीं, शरीर से एसिड भाग जाएंगे नहीं, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? सीधा इन काउंट्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये गलत खान पान। दोस्तों हमारे ब्लड में दो चीज़ें और होती हैं, एक है अल्कालाइन और एक है एसिड। अल्कालाइन का लेवल जो प्रकृति ने रखा है बाई बर्थ का, वो है 80% का उसका लेवल है, और एसिड का लेवल रखा है 20% का। अब एसिड का लेवल 20% का क्यों रखा है, ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। तो हमारे जो गलत खान पान होता है, पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी थी, जो पीएच का वीडियो बनाया था उसमें आप चाहे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एसिडिक चीज़ें जितनी भी हैं, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जितनी स्वादिष्ट चीज़ें आपको बहुत भाती हैं वो सभी एसिडिक हैं, और एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा चाहिए, सिर्फ 20%। और अल्कालाइन चीज़ें स्वाद में कम होती हैं परंतु वो शरीर में अल्कालाइन का लेवल अच्छा रखेंगी और चुस्ती फुर्ती रहेगी, हर एक बॉडी के पार्ट को पोषण मिलेगा, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, या फिर हमारे ये WBC के एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट हो, इन सब को पूरा पोषण दे के इनके काउंट्स को अच्छे से बढ़ाती जाती है। और जब शरीर में एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो बाकी पौधे तो डाउन होंगे होंगे, उसके साथ साथ लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, ये दोनों भी, इनकी भी काउंट्स डाउन होती जाएगी। अब मेरे ख्याल से आपको साधारण भाषा में मैंने पूरा समझा दिया है कि आखिर वो क्या वजह है जिससे इम्यूनिटी का लेवल शरीर में डाउन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो वो ठोस तजुर्बा जो मुझे गुरु ने बताया, मैंने अपनी ज़िंदगी पे आजमाया, बहुत लोगों के साथ शेयर किया, किस तरीके से इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाया जाए, ताकि ये COVID-19 वायरस की बात नहीं है, मेरा वीडियो कोविड के लिए नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए है, ऑल टाइम आप हमेशा सभी प्रकार की बीमारियों से बचे रहोगे सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ा के। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो साधारण तजुर्बे घर पे बैठ के किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाई जा सके, तो फिर मुझे सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत है। जहाँ मुझे 10 से 15 कमेंट्स, 20 कमेंट्स आप लोगों के मिल गए, मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। नहीं तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अनगिनत वीडियो हैं, जोन सा चाहें अपनाइए। ठीक है दोस्तों,
आज की इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।